हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा यूनिक शोपीस जिसको देखकर आप बहुत खुश हो जाओगे कि इतना यूनिक और इतना अच्छा आइटम इतने कम रेट में बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट तैयार हो जाते हैं बच्चों के स्कूल में जब ऑर्डर आते हैं मुझे, तो मैंने बनाया, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो आप ये शोपीस हर एंगल से मैं दिखा रही हूँ, आप देख लेना। बनाना बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा टाइम लगता है पर बहुत ही ब्यूटीफुल तैयार होता है। हर इंसान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हर एंगल से दिखा रही हूँ मैं किस तरह से फ्रेमिंग करवानी है। बनाने में ज़्यादा कोई टाइम नहीं है लगता, वो बस चिपकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप आगे पीछे मैं हर तरह से दिखा रही हूँ, बैक करके, साइड से, फ्रंट से, आप देख लेना। बहुत ही जितने कलरफुल बनाओगे आप उतना ही ये ब्यूटीफुल बनेगा। बाकी आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आप इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव कॉर्नर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस शोपीस को बनाने में क्या सामान लगेगा, ये यूज़ एंड थ्रो स्पून आती है जिससे चाट आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, ये चाहिए होगा हमें। और ये बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं, 10 या 15 रुपये दर्जन, सैकड़ा, जो भी कह लीजिए, इस तरह आती। मैंने पूरी पैकेट ले ली क्योंकि मैं ऐसे प्रोजेक्ट बनाती रहती हूँ। ग्लू चाहिए होगा, सीधर चाहिए होगा, कुछ कलरफुल स्ट्रिप चाहिए होंगी। आप जितना कलरफुल लोगे उतना ब्यूटीफुल बनेगा। और ये इस तरह के स्टोन आते हैं, ग्लू से चिपकाने वाले आते हैं और ग्लू लगे हुए भी आते हैं जैसे, जो आप चिपका सकते हो बहुत ही आराम से। इसके लिए मैंने लिया है स्ट्रिप पिंक कलर की। अब मैं इसमें लगाना शुरू करूँगी। ग्लू लगा दिया है मैंने साइड से। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रिप्स कटिंग करिएगा और थोड़ा सा उठा हुआ ही रहे, थोड़ा सा मुश्किल होता है लगाना पर फिर लग जाता है। ज़रा सा ग्लू लिया, अब मैं इसको इसमें चिपका दूँगी ऐसे। फ्रेंड्स, सैंडल जितनी बनाइएगा हल्की सी उठी हुई रहे तभी उसका लुक आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं लेती हूँ ग्रीन कलर। मैं सबके सैंपल बता दे रही हूँ आपको, जस्ट बनाना बहुत इजी है, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे पता है आप बहुत ही ब्यूटीफुल बना लोगे। सिर्फ चिपकाना है, बाकी अपनी क्रिएटिविटी, आप जितना डिज़ाइन बनाओगे उतना खूबसूरत बनेगा। आप पहले मेज़र कर लेना उसके बाद। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, जब आप ये ऊपर वाली स्ट्रिप बना लेना तब साइड से मैं लास्ट में एक पिक ऐड कर दूंगी, इसमें छोटा सा वीडियो, लास्ट में इसका बॉर्डर ऐड करना नहीं तो वो निकल जाएगा। सूखने के बाद, सूखने में टाइम दीजिएगा। ये चिपक गया है ग्रीन वाला, अब मैं पिंक वाला चिपका रही हूँ। पिंक वाला थोड़ा सा बस दबा किस तरह साइड और फिर छोड़ देना हमें ना। अगर आप नहीं से नहीं चिपक रहा है तो आप नाइफ़ या सीज़र की हेल्प से भी चिपका सकते हो। अब मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ दूसरी स्पून पे, येलो कलर लेके क्रॉस पट्टी लगाऊंगी। थोड़ा सा ज़्यादा ग्लू ले लेंगे, अब यहाँ से कट कर लेंगे क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट उतनी ही है। अब मैं ये सैंडल तैयार कर चुकी हूँ क्रॉस पट्टी से, अब मैं इसका डेकोरेशन करूँगी। डेकोरेशन करने के लिए मुझे स्टोन चाहिए होगा, ये चिपकाने वाली स्टोन है, मैं चिपका लूँगी। अब मैं ले रही हूँ येलो कलर की स्ट्रिप जो मैंने पहले सैंडल बना के रख दी थी सूखने के लिए। मुझे आपको वीडियो में दिखाना था कि आपको क्लियर हो जाए। इस तरह से साइड में ग्लू लगा लेंगे और एक बॉर्डर बना लेंगे। पहले आप मेज़र कर लीजिएगा आपको कितना रिबन चाहिए होगा साइड में लगाने के लिए, उसके हिसाब से आप लगाइएगा। थोड़ी सी दिक्कत आती है फ्रेंड्स, पर बिलीव मी जब बन के रेडी होता है तो इतना ब्यूटीफुल लगता है। बस ज़रा सा सीज़र, नाइफ, किसी भी नोक के हेल्प से आप उसको सेट कर दीजिएगा। पूरे एक दिन के लिए आप इसको छोड़ दीजिएगा कि अच्छे से सारी सैंडल्स सेट हो जाए। 1 से 2 दिन लग जाता है सेट होने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता पर इतनी सारी सैंडल्स बनाने में टाइम लग जाता है, तो आपको मैक्सिमम 2 दिन का टाइम लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, तैयार हो चुका है मेरा ये शोपीस।
अब ये शो पीस तैयार कैसे करना है, तो किसी भी फ्रेमिंग की दुकान पर जहाँ पे आप पेंटिंग वगैरह फ्रेम करवाते हो वहाँ जाके आपके पास ग्लास हो तो आप दे देना, या फिर ग्लास उनके पास तो होता ही है तो आप उनसे कहकर आप स्क्रीन शॉट ले लो। मैंने इस तरह से इसको साइड साइड खड़ा करके उनको आइडिया दिया था, तो उन्होंने इस तरह से फ्रेम कर दिया है। फ्रेम भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं बनवाने में, आज के टाइम में तो बहुत ही 200-250 रुपये में पूरा तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।